मंडला जिले में रही कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, कहीं निकली शोभा यात्रा तो कहीं राधा कृष्ण की मोहक झांकी। मंडला जिले के सभी विकास खंड में कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर के राधा कृष्ण मंदिरों में खास साज सज्जा की गई, वहीं मोहक झांकियां भी निकाली गयी, जिसमें नन्हे बालक बालिकाओं की झांकियों ने सबका मन मोह लिया। मंडला नगर में निकाली गई शोभा यात्रा सबसे खास रही, जिसमें जिले भर के यदुवंशी यहां जुटे और डीजे बाजे गाजे के साथ रैली निकालकर नगर भ्रमण किया। इस अवसर पर वाहन रैली में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद हुए, साथ ही शोभा यात्रा में राज्यसभा सांसद संपत्या उइके ने भी शिरकत की। वहीं निवास, बिछिया, नैनपुर, बिम्हनी जैसे शहरों में भी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई और स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव पर छोटे बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया, जो आकर्षक राधा कृष्ण का रूप धारण कर नगर में नजर आए। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भी कुछ इसी तरह का नजारा था। सनातन से मनाते आ रहे हैं और इसको बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हमारे स्वजाति बंधु पूरे जिले से हमारे यहाँ नगर में आते हैं और एक साथ इकट्ठे होकर हम लोग जो है वाहन रैली का कार्यक्रम रखते हैं। वाहन रैली का कार्यक्रम के बाद जष्ठी, फिर हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं पूरे शहर भ्रमण के लिए।
स्वास्थ्य मंत्री आज हमारे इसमें मंत्री जी शामिल हुए थे हमारे यादव महासभा की वाहन रैली में। वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे कि सबको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो जन्माष्टमी का त्यौहार है बुराई पे अच्छाई की जीत के तौर पर इसे हम मना रहे हैं। जन्माष्टमी एक हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और हम सबके भगवान है। तो यहाँ पर एक यादव समाज अपना वंश के लिए यादव समाज की तरफ से बहुत बड़ा कार्यक्रम और रैली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। लेकिन चूँकि वो ईश्वर में भगवान है और हिंदू धर्म में हम सबके भगवान हैं तो हम लोगों ने उनका यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा